आपका सपना कहीं ना कहीं इस पार्टनर ने तोड़ दिया, एक भरोसा था आपका इसके ऊपर वो इसने तोड़ दिया, आपको आइसोलेशन में छोड़ दिया, आपको अकेला रोता हुआ छोड़ दिया। आपके आंसुओं का इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके गिड़गिड़ाने का, आपके माफ़ी मांगने का या फिर आपका इसको मनाने का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत रोए हो, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इस पर्सन की वजह से आपने अपनी लाइफ में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, जितना पार्ट रेजोनेट करे सिर्फ उतना ही रखना है, बाकी का छोड़ देना है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं। सो चलिए पहले आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए क्या चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में, व्यूअर्स की एनर्जीज क्या आ रही हैं। ओके चलिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, कार्ड्स में एनर्जीज होती है। सो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो एनर्जीज ब्रेक हो जाती हैं। सो चलिए आपकी एनर्जीज को रीड कर लेते हैं। शांत हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, फर्स्ट कार्ड आया है आपकी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ओके नेक्स्ट आया है सक्सेस कंपैरिजन, ओके करेज, आइसोलेशन, एग्जिस्टेंस, द ड्रीम, कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग। सो ये आई हैं कुछ आपकी एनर्जीज। अब हम चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज और थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या आ रही हैं। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए क्या आ रही हैं थर्ड पार्टी और पार्टनर की एनर्जीज। हार्मनी, गाइडेंस, सप्रेशन, लेजीनेस, अबंडेंस, माइजर, ट्रैवलिंग, सेलिब्रेशन, पोस्टपोनमेंट। फाइन, ओके। सो देखिए क्या आ रहा है आपकी एनर्जी में। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेकआउट करते हैं। सो देखिए आपकी लाइफ में ना एक ड्रीम आपने देखा था, एक सपना आपने देखा था कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए या ऐसी होनी चाहिए, आपको आपका लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए रिश्तों में, प्यार होना चाहिए रिश्तों में, और कहीं ना कहीं आपने एक ड्रीम देखा और इस ड्रीम पार्टनर को आपने सामने आते हुए भी देखा, अपनी लाइफ में एंटर करते हुए भी देखा, राइट। आपकी लाइफ में जो आपने सपने देखे वो आप पूरा करना चाहते थे, आपने एक पार्टनर का सपना देखा और ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आया, बट ये कहीं ना कहीं पार्टनर क्या हुआ है कि आपका सपना कहीं ना कहीं इस पार्टनर ने तोड़ दिया, एक भरोसा था आपका इसके ऊपर वो इसने तोड़ दिया, आपको आइसोलेशन में छोड़ दिया, आपको अकेला रोता हुआ छोड़ दिया। आपके आंसुओं का इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके गिड़गिड़ाने का, आपके माफ़ी मांगने का या फिर आपका इसको मनाने का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत रोए हो, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाए हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इस पर्सन की वजह से आपने अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं, बहुत ट्रबल्स झेले हैं, राइट। कई बार आपने सिचुएशंस को संभालने की, बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इतना सख्त दिल इस इंसान का, अपने लिए सेल्फ रीजंस की वजह से, अपनी खुद की खुशियों की वजह से इस पर्सन ने आपको कॉम्प्रोमाइज़ ला करने पर छोड़ दिया। कहीं ना कहीं आपने अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने अपने सपनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया और आपकी लाइफ में इतने आंसू भर दिए इस पर्सन ने इस थर्ड पार्टी की वजह से कि एक वैल्यू आपकी नीचे गिरा दी, आपकी इम्पोर्टेंस इसने नीचे गिरा दी, आपकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी इसने, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया इसने। धीरे धीरे करके आपको ये समझ में आने लगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आने लगी कि ये सिर्फ सपना था, सपना कहीं ना कहीं टूट गया है और जो एक
ज़िंदगी आपने सोची थी, जो खुशियों भरी ज़िंदगी आपने सोची थी, वो कहीं ना कहीं रुक गई है, थम गई है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में आ गए हैं। कहीं ना कहीं एक कैदियों वाली फीलिंग आपको आने लगी है। ऐसा लगने लगा है कि ये कहाँ पर ज़िंदगी अटक गई है ना, किसी और की वजह से आपके अपने पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है। बहुत काफ़ी ज़्यादा आपकी सिचुएशंस ऐसी आपके पार्टनर ने कर दी कि आप जैसे कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप सर्वाइव ही नहीं करते हो, है ना। आपने पूछने समझाने समझने की भी कोशिश की है ना, झगड़े भी हुए होंगे, बट आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको डाउन दिखाया, आपकी बेइज्जती की, आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश की इस थर्ड पार्टी के सामने। उन्होंने ये तक कह दिया होगा कि जो भी इन्होंने किया, जो भी कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया या ये जो भी भुगत रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी गए हैं तो आपकी वजह से ही गए हैं। सो इस तरीके के इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगाए गए हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई उसी इंसान के थ्रू जो आपके सपनों में था, आपका अपना लाइफ पार्टनर था। कैसे कोई इंसान इस तरीके से बदल सकता है? किसी नए इंसान के आते ही पुराने इंसान की बेइज्जती करना, उसको नीचा दिखाना, उसमें सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकालना। भूल जाते हैं लोग कि क्या किया है आपने उसके लिए, भूल गया है वो इंसान कि कितने सेक्रीफाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं आपने इसके लिए। अपनी खुशियों तक को आपने दाव पर लगा दिया, अपनी नौकरी, अपना सब कुछ आपने दाव पर लगा दिया। आपने सिर्फ इसके बारे में सोचा, इसके खुशियों के बारे में सोचा, और इसने आपकी ज़िंदगी में आंसू दे दिए, तकलीफ़ दे दी। बट डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत दिल टूटा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, पर आपके आंसू भी सूख चुके हैं रो रो के। बट कहीं ना कहीं इसने आप इस इंसिडेंस ने, इस परेशानी ने या इस प्रॉब्लम ने आपको एक करेज दे दिया है, आपके अंदर एक हिम्मत दे दी है लोगों से लड़ने की, सच्चाई का सामना करने की। सो अगर आप पहले वीक थे, इनोसेंट थे, भोले भाले इंसान थे, कमज़ोर दिल के थे, प्यार भरा था दिल में, हर किसी पर विश्वास कर लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे, अब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है। राइट, बहुत ब्रोक हो चुके हो, बहुत दिल टूट चुका है, राइट, बट आप कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, खुद की एग्जिस्टेंस पे काम करना आप में से कई लोगों ने शुरू कर दिया, और अगर नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर एक मैजिक है, आपके अंदर सब कुछ करने का एक मैजिक है, आप एक मैजिशियन हो, आपके अंदर वो ताकत है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। जब आपने मैनिफेस्ट किया तब आपकी लाइफ में खुशियाँ डेफिनेटली आनी शुरू हो जाएंगी। सो अपनी एग्जिस्टेंस पर काम कीजिए। आज अगर किसी इंसान की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो आपको नीचा गिरा सके, नीचा दिखा सके, तो अपनी एक वैल्यू आप बढ़ाइए, खुद को इस लेवल पर लेकर जाइए कि सामने किसी की भी हिम्मत ना हो आपको नीचा दिखाने की, आपको बदनाम करने की, आपको बुरा भला बोलने की। कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी इस पार्टनर के ऊपर है, इसलिए इस पर्सन ने आपको इतना नीचा दिखा दिया। आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करना पड़ेगा, अपना लेवल आपको हाई करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे। डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं अभी आपके अंदर, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कितना बदल चुके हो आप इस इंसिडेंस के होने के बाद, क्या कुछ चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। बट जैसे ही आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपकी लाइफ में जैसे ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आप अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करने शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगी। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन क्लेम कीजिएगा, अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं, न्यू पार्टनर चाहिए तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, लेकिन अगर आप कर्मा चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर्मा क्लेम कीजिएगा, बिकॉज सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, आपके जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे, आपका डिवाइन सपोर्ट आपके पास है, आपका जो प्योर सोल है वो आपके पास है। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। ये कुछ लेसन हैं आपकी ज़िंदगी के जो आपको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, सही गलत में पहचान करा रहे हैं, उस भोलेपन से निकाल रहे हैं जो एक सीधापन, एक भोलापन आपके अंदर था। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो, अपने अंदर एक ताकत भरिए, अपने अंदर करेज लेकर के आइए। आप कुछ भी इस दुनिया में कर सकते हैं, डिप्रेस होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपका टाइम बदलने वाला है, बहुत जल्द खुशियाँ, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं
एक्चुअल में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। सो डेफिनेटली चीज़ें स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ ठीक ठाक चलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक हार्मनी दोनों के बीच में रही है, राइट। और एक इन लोगों को ये ज़रूर था कि अगर ये सिचुएशन में जा रहे हैं, अगर ये किसी रिश्ते में बंध रहे हैं, तो इनको ये रिश्ता निभाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर धोखा या किसी भी जालसाजी या किसी भी बेईमानी की कोई जगह नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें इन दोनों में डिस्कशन ज़रूर हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, ठीक है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है, वैसे वैसे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पर बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सप्रेशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब तरफ से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेजीनेस, आलसीपन आपके पार्टनर के अंदर आता चला जा रहा है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ से अबंडेंस जा रही है, पैसा जा रहा है, खुशियाँ जा रही हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये डेफिनेटली इसका दिमाग, इसकी जो चालें हैं, वो आपके पार्टनर का सब कुछ छीन करके भागना चाहती है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का पैसा, उसकी प्रॉपर्टी और ये सब जो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो उसके लिए आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में चाहती है, राइट। जेंडर बायस रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, देख सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपके अंदर ये प्रॉब्लम दिखती है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, तो ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो ज़रूरतें या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कर रही है पूरी, या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं थर्ड पार्टी की पूरी। सो ये ज़रूर है, बट हाँ, यहाँ कई सिचुएशंस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लालच में है, लालची है, और आपके पार्टनर का पैसा और सामान और चीज़ें डेफिनेटली उसको चाहिए थी, उसका एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहती थी थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को उसने आपसे छीन लिया, ठीक है। और अभी ये भी चल रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आने से वो रोकती है, ठीक है, आपके पार्टनर को आपके पास आने नहीं देती है, और वो कुछ ना कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करती है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएं। आप में से कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया गया है, राइट। और कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इसने ऐसी भर दी हैं कि आप खुद भी आप चेक करेंगे तो आपके पार्टनर अचानक से चिड़चिड़े हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं, इवन आपके शरीर में भी कहीं ना कहीं कुछ चिड़चिड़ापन और एक आलसीपन आपकी ज़िंदगी में आता चला जा रहा है, राइट। और डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये जो सफ़र है थर्ड पार्टी के साथ, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा होता चला जा रहा है, राइट। क्योंकि शकी बहुत ज़्यादा है, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाती है, पैसा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इसका दिमाग ज़्यादा रहता है, ठीक है। आपने प्यार मांगा था, आपने प्यार के अलावा कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसका दिमाग प्यार में कहीं भी नहीं है, इसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के मटेरियलिस्टिक सुखों पर है। सो आपके पार्टनर का जो ये सफ़र है, ये मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में खुद तो सेलिब्रेशंस करती है, खुद तो दूसरों के साथ घूमती है, फिरती है, सेलिब्रेट करती है, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर बन चुकी है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे एक्सपोज करें, कैसे इसका पर्दाफाश करें, कैसे इसको ये रियलाइज़ करवाएं कि ये इनके साथ गलत कर रही है, राइट। सो कई बार कोशिश करते हैं समझाने की या कुछ चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये टाल रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ें बड़ी होती चली जा रही हैं, और थर्ड पार्टी डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसती हुई और इनको धोखा देती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा एहसास होने लगा है कि अब इनकी ज़िंदगी और इनका ये जो रिलेशनशिप है, ये कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से धोखा इन्होंने आपको दिया, उसी तरीके का धोखा ये थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में देती हुई दिखाई दे रही है। अपनी ज़रूरतों के लिए इसने आपके पार्टनर का यूज़ किया, राइट। आपने सिर्फ प्यार मांगा, लेकिन इसने अपनी ज़रूरतों के लिए आपका रिश्ता तोड़ दिया। सो डेफिनेटली इसको इसके कार्मिक्स ज़रूर मिलेंगे, और आपके पार्टनर को भी ये एहसास हो रहा है कि इनको इनके कार्मिक्स ही भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, वैसे ही ये थर्ड पार्टी भी इनको धोखा देती हुई दिखाई दे रही है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा 111, अगर सक्सेस चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा सक्सेस, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।